हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं बिकम टेक्स। एंड गाइस, फाइनली ईयर वी हैव द ओनली 2024 बजाज फेकर 2903 एडिशन खड़ी हुई आपके सामने। इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, प्राइसिंग कलर ऑप्शन वेरिएंट एंड भाई क्या इसकी राइडिंग रेंज है, बैटरी कितने किलोवाट की देखने को मिल जाती है, उसी के बाद भाई इसकी प्राइसिंग वगैरह क्या मिलती है एंड ये प्रोडक्ट आपके लिए कितना बढ़िया रहने वाली है। मार्केट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है अभी अपनी चेतक भाई इलेक्ट्रिक में अगर आप देखते हैं तो, ड्यू टू भाई जो उसकी स्प्रेंट है, बिल्ड क्वालिटी, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक जितनी भी प्रोडक्ट है उसमें आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिल पा रही है, नहीं अभी सर्विस भी अच्छी आ रही है। अभी आपने जिसके कॉम्पिटिटर में जो कि रन कर रही है मार्केट में प्रोडक्ट, आप लोग अच्छे तरीके जानते हैं, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन अभी इसकी सर्विस भी अच्छी है, गाड़ी ड्यूरेबल भी है, बिल्ड क्वालिटी भी सही है, रेंज भी अच्छा निकाल के दे देती है, हर एक चीज़ गाड़ी की सही है। एंड गाइस, अगर की से स्टार्ट करते हैं, कुछ ऐसी व्यक्ति ऑफर हो रही है यहाँ पे एंड टोटल 22 कलर ऑप्शन में आती है, 4 वेरिएंट्स मिल जाते हैं, कीलेस फंक्शनलिटी के साथ भी अवेलेबल होती है, जो कि टॉप एंड मॉडल में आपको फीचर्स मिल जाते हैं, टेक पैक भी आती है जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट करना पड़ेगा। एंड गाइस, सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग हम लोग पहले बात कर लेते हैं गाड़ी रेंज कितना दे देती है, बैटरी वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस, अगर हम लोग इसकी बैटरी पैक की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 2.9 किलोवाट आवर की बैटरी देखने को मिल जाती है। गाड़ी की जो रेंज है कंपनी क्लेम करती है भाई अपनी 126 किलोमीटर पर फुल चार्ज, लेकिन भाई समझ जाइए 100-110 किलोमीटर की आपको रेंज बिल्कुल निकाल के दे देने वाली है। और चार्जिंग की अगर बात कर लेंगे भाई तो ये टोटल 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है 0-80% और 0-100% होने में 6 घंटे लगती है, 4 घंटा लगता है भाई अपना 0-80% होने में। बाकी गाइस, ये चार्जिंग टाइम वगैरह भी तो फिर से बता दूँ, 0-100% होने में 6 घंटा लेती है, 0-80% होने में 4 घंटा और 2.9 किलोमीटर आवर की बैटरी मिल रही थी। टॉप स्पीड व्हीकल की 63 किलोमीटर पर आवर तक की, मोटर की जो पावर मिलती है 4 किलोवाट आवर की पावर आपको मिल जाती है। लिथियम आयन बैटरी है, IP67 को सपोर्ट करता है, ठीक है भाई। सो गाइस, ये रेंज वगैरह टॉप स्पीड मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको इसलिए बता दिया कि आपको कोई भी कंफ्यूजन वगैरह नहीं रहे। प्राइस जो इसकी रहने वाली वही 1,22,000 से 1,23,000 तक इसकी ऑन रोड प्राइस पड़ेगी। यहाँ पे आपको LED DRLs, LED हेडलाइट मिल जाती हैं। गाइस, ये गाड़ी जो मानी जाती है अपने बिल्ड क्वालिटी से, बिकॉज जितनी भी मार्केट में कॉम्पिटिटर है इसकी कहीं भी आपको मेटेलिक पूरी बॉडी नहीं मिलती, मैक्सिमम जगह आपको फाइबर देखने को मिल जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रिक स्कूटी में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है और इसकी सर्विस भी काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट में, इसलिए मार्केट में भी काफ़ी बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रही है। पार्ट आपको मेटालिक मिलेगा, यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक में काफ़ी बढ़िया इंसर्ट्स मिलता है, इधर चेतक की ग्राफिक, नंबर प्लेट होल्डिंग सेटअप, LED टर्न्स में मिलेगी। ये पार्ट आप देख रहे हैं तो भाई अपने को मिल जाता है फ्रंट में फाइबर का, रिंग टाइप सस्पेंशन मिल जाता है काफ़ी बढ़िया, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो अपने को अलॉय व्हील देखने को मिल जाता है, टायर की ग्रिपिंग वगैरह भी सही है। एंड यहाँ पे व्हील देखिए, MRF का टायर यूज़ किया गया है, ट्यूबलेस टायर है, 90x90 सस्पेंशन टायर मिलने में 12 इंचज ऑफ अलॉय व्हील। यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया ग्राफिक्स वगैरह मिल जाते हैं। ये भाई व्हीकल की पूरी राइट साइड प्रोफाइल, सिलेंडर आप देखिए मैं पहले बता दे रहा हूँ आप नहीं रख पाएंगे, यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिल जाता है, 2903 की एम्बलम, लगेज कैरी करने के लिए होल्डर, फिजिकल कीनो का सेटअप, इधर आपको कोई भी मतलब सामान कैरी करने के लिए होल्डर नहीं मिलता, यहाँ पर कुछ ऐसा लेग स्पेस मिलेगा, यहाँ पर इधर आपको ग्राफिक्स फुटरेस्ट मिल जा रहा है, कुछ ऐसा सीट्स मिलता है जो कि राइडर प्लेनियर दोनों के लिए काफ़ी बढ़िया रहने वाला है, फ्लैट सीट है, वेल कुशन सीट मिलती है, सिंगल ग्रेबल हैंडल है, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा आपको डिज़ाइन मिलेगा फ्रंट में पियानो ब्लैक की तरह, चेतक की ब्रांडिंग, टेल लैम्प, टर्न सिग्नल आपको LED मिलेगी। ये पार्ट आप देख रहे हैं पूरी मेटेलिक आती है, पूरा पार्ट मेटेलिक मिलेगा, फ्रंट का भी पार्ट मेटल का आ रहा था, यहाँ पे नंबर प्लेट फोल्डिंग सेटअप, नॉफ ऑफ रिफ्लेक्टर्स वगैरह, ये अपना भाई मोटर का सेटअप जो कि 4000 किलोवाट का मोटर में आपको पावर मिलता है एंड 2.9 किलोवाट आवर की बैटरी मिल रही थी। एंड रियर में अपने को 90x90 सेक्शन टायर मिलने में 12 इंच ऑफ अलॉय व्हील, रियर में भी ट्यूबलेस टायर है, अगेन ग्राफिक्स मिलेगी आपको। एंड एक बार मैं आपको अंडर सीट स्टोरेज भी दिखा देता हूँ भाई, कुछ ऐसा अंडर सीट स्टोरेज मिल जाता है, यहाँ से प्रोडक्ट को अपने चार्ज करेंगे एंड 21-22 लीटर का अंडर सीट स्पेस मिल जा रहा है। एंड ये भाई ओवरऑल सीट, और बात कर लेते हैं इसके मीटर कंसोल एंड स्विचेस की, जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं कुछ ऐसा यहाँ पे आपको पूरा डिजिटल क्रशर मिलेगा, जहाँ पे स्पीडोमीटर, रेंज वगैरह, स्टैंडर्ड, स्पोर्ट, न्यूट्रल सभी की मोड्स की आपको डेडिकेटेड इंटीग्रेशन मिलेगी। बैटरी का यहाँ पे आपको परसेंटेज कितना चार्ज है, ग्राफिकल भी मिलेगा, परसेंटेज वाइज भी मिलेगा, ऊपर रियल टाइम, साइड स्टैंड वार्निंग, न्यूट्रल, हाई बीम, लो बीम सभी की इंडिकेशन नियर बाई मिल जाएंगे। चेतक की ब्रांडिंग पियानो ब्लैक में काफ़ी सही लग रही है। स्विचेस को देखेंगे तो यहाँ पे आपको ड्राइव मोड, न्यूट्रल, रिवर्स और मोड का स्विच, टर्न सिग्नल का स्विच, काफ़ी बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक स्विच मिलता है, लेकिन इसमें बैकलाइट नहीं आता है, टॉप मॉडल में बैकलाइट भी मिलता है। हाई बीम, लो बीम का बटन मिलेगा, टर्न सिग्नल, यहाँ पे हॉर्न की स्विच मिल जाती है, यहाँ पे आपको प्ले एंड पॉज का बटन देखने को मिलेगा, काफ़ी बढ़िया गाइस, यहाँ पे आपको स्विचेस की क्वालिटी वगैरह देखने को मिलती है और क्लचर भी बहुत सही है। एंड अब बात कर लेते हैं इसके डायमेंशन की, गाड़ी की जो लेंथ मिलती है वो मिलती है आपको 1894 mm की, सीट हाइट मिलती है 760 mm की, 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, 1330 mm की व्हील बेस एंड 134 kg तक की यहाँ पे को कर्वेट देखने को मिल जाती है भाई अपने बजाज चेतक में। बाकी गाइस, ये था इसका ओवरऑल डायमेंशन वगैरह, व्हीकल काफ़ी सही है, 2.9 किलो आवर की बैटरी मिल रही है एंड 63 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड वगैरह ठीक है भाई।
बाकी प्रोडक्ट आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।